नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंहराज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। लखनादौन जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भारदा में असामाज तत्वों द्वारा ग्राम में अवैध शराब सट्टा जुआ जैसे कार्यों का अंजाम दे रहे हैं, जिसमें आए दिन बच्चे, युवा और बुजुर्ग नशों की लत में आकर परिवार को प्रताड़ित करना, कला पैदा करना, मारपीट करना। इतना ही नहीं, जब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखकर शराब के आदि हो रहे हैं। शराब पीने के लिए जब पैसा नहीं रहता तो घर का अनाज और सामान बेचकर शराब पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं। इसी कारण घर पर माँ, बहन, बेटी परेशान रहती है। आखिर हमारी बेटियाँ बाहर कितनी सुरक्षित रहेंगी, इसी बात को लेकर हमारे साथ महिला स्व सहायता समूह, जिनको हमारे द्वारा मिलाकर एक संगठन तैयार किया गया है, जिसका नाम अन्नपूर्णा ग्राम संगठन रखा गया है। और हमारे द्वारा पहले भी थाने में सूचना दिए गए हैं और आज फिर से अन्नपूर्णा ग्राम संगठन के द्वारा, जिसमें सैकड़ों महिलाओं द्वारा शराब जुआ सट्टा के विरोध में मोर्चा खोलकर लखनादौन थाने पहुंच गई, जहां उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत की है। यहाँ गतिविधियां सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में कोरोना वायरस की महामारी की तरह फैल रही है। इसी को लेकर शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इसका इलाज किया जाना अति आवश्यक है। और इसके बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। क्या बताइए, किस समस्या को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? सर, हम ये चाहते हैं, ग्राम भरदा से हैं हम सभी महिलाएं, हमारे संगठन समूह में 75 महिलाएं हैं सर, तो कुछ बच्चे वाली हैं तो वो नहीं आ पाई हैं। तो हम ये चाह रहे हैं सर कि हमारे गांव में मतलब सट्टा, जुआ, शराब ये सब कुछ बंद हो जाए, सभी के बच्चों का भविष्य सुधर जाए, सभी के पति का भविष्य सुधर जाए, सबका घर परिवार अच्छा रहे, अच्छा चले, किसी के घर में कोई परेशानी ना हो इसको लेके, सट्टा जुआ शराब को लेके, यही चाहते हैं सर। अच्छा, आप ये बताइए कि सट्टा जुआ वहाँ पर जो चल रहा है तो बेचता कौन, खिलाता कौन है? सर ये तो देखो, हम सामाजिक तत्वों को लेके आए हैं, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से मतलब बंद हो जाए। नहीं, जब तक आप थाने गए थे? हाँ सर। क्या शिकायत करी आपने थाने में? तो वहाँ भी हमने सट्टा जुआ शराब के बारे में शिकायत दर्ज करवाए, पर पुलिस ने बोल दी कि हम हमेशा जाते हैं और पकड़ के लाते हैं, पर सट्टा जुआ बंद गांव में तो हो ही नहीं रहा सर। अभी भी हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई थी, फिर जो वार्ड माना के कहते हैं और जिला उपाध्यक्ष मिले, उनने हमको पावती दिलवाई, जब उनने पुलिस वाले ने पावती दी। आपने किसी का नाम बताया हो? नाम तो उनको कई बार बता चुके हैं, फिर पहले दे चुके, पर वो यही बोलते हैं कि हमने उनको एक बार तो कर दी, दो बार हमारी कार्रवाई चल ही रही है, पर ऐसे कैसी कार्रवाई चल रही है कि जो कि अभी तक गांव में जो सट्टा जुआ शराब बंद नहीं हो रहा, और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना घर का दाना राशन जो कुछ मिलता वो ही लेके बेचते हैं और सट्टा लगाते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ के बच्चा, पति, सब कोई का भविष्य सुधर सके, और इसके कारण सबके परिवार में कठिनाई गुजर रही है। और गाल जो बता रही है ना जी, इधर रिपोर्ट लेकर आई है, तो उसकी वजह से भी दारू सट्टा बंद हो, बंद हो, दारू सट्टा शराब बंद हो, बंद हो, दारू सट्टा शराब बंद हो, बंद हो, भरदा पंचायत में हमेशा के लिए बंद हो, बंद हो। मसराम जी, जैसा कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी, और आज ग्राम भरदा से कुछ महिलाएं आई हैं शराब जुआ सट्टा को लेकर, और यहाँ शिकायत की है, थाने में भी शिकायत की है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते? जो भरदा से जो महिलाएं आई हुई हैं थाने पे, उन्होंने अपनी पूर्व में शिकायत भी कराई है, ये बात की जानकारी मुझे भी दी है, और मैंने भी एक फोटो काफी उनसे लिया हूँ, और मैंने भी आश्वासन दिया हूँ उनसे कि यहाँ से मतलब पुलिस थाना लखनादौन से इनके बारे में सट्टा जुआ के बारे में कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं अपना लेटर पैड लगा करके प्लस SP के पास मैं आपकी मदद करूंगा। अरविंद भाई, ग्राम भरदा से जो महिलाएं आई हैं शराब जुआ सट्टा को लेके, इनके बारे में शिकायतें हैं, इनमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, प्रथम तो मैं आप सभी को नमस्कार, शिव जोहार, नमस्ते। जैसे कि ये महिलाएं जो आज सट्टा जुआ और असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस गति से क्षेत्र में
एक भिन्नता फैल रही है और जिससे महिलाएं आज हर परिवार में डरी सदमी हुई हैं, क्योंकि कारण ये है कि उनके बाल बच्चे और उनके पतियों के अंदर में जिस प्रकार से सट्टा और जुआ और अन्य ऐसी चीज़ें पनप रही हैं जिससे कि घर और परिवार के अंदर में एक शराबों को लेके तो दिन ब दिन महिलाओं के साथ में अन्य घटनाएं भी घट रही हैं, जो कि महिलाएं स्पष्ट सामने आ रही हैं। ये बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है हमारे लिए कि प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए और महिलाओं की इस आवाज़ को सुनना चाहिए। और भरगा पे जाके मैं शासन से गुहार करता हूँ कि वो जाएं और उसकी कौन लोग हैं, वो कैसे असामाजिक तत्व हैं जो अराजकता फैलाने के काम कर रहे हैं और सट्टा और जुआ जैसी चीज़ों को पनप रहे हैं वहाँ पे। निश्चित ही ये चीज़ें एक ट्राइबल और एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे वैसे भी लोग बेरोजगारी के कगार पे खड़े हुए हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है और सट्टा जुआ से लत खाए हुए लोग घर में, जैसे अभी कुछ महिलाओं ने बताएं कि शराब को लेके कि लोगों के पास में अगर कुछ रहता नहीं है तो कोई अनाज ही बेच रहा है, कोई बर्तन ही बेच के कोई सट्टा और जुआ तक जा रहा है। तो ये बड़ी एक विडम्बना है और एक बड़ी दुख की बात है। मैं फिर मध्य प्रदेश शासन को एवं पुलिस प्रशासन की ओर इस बात को ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें और ऐसी समस्याएं, ये यहाँ की नहीं है और भी अन्य इस क्षेत्र के अंदर में और भी ऐसी समस्याएं हैं जो प्रशासन उन तक लगाम लगाने का काम करे। मैं यही उम्मीद पुलिस प्रशासन से और मध्य प्रदेश शासन से चाहता हूँ कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नारी शक्ति के सम्मान में और नारी शक्तियों की सुरक्षा के लिए कि सदैव उन्होंने हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर अपनी बात रखते रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री जी से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से SP साहब से कि इन महिलाओं के दुख दर्द को समझें और उन्हें उचित न्याय दिलाने में और उनकी समस्याओं को हल कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ मैं आप सभी का फिर आभार व्यक्त करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।